नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बिहार के खड़गपुर मुंगेर मुडेरी पंचायत भावी मुखिया प्रत्याशी राजेंद्र बिंद ने बताया कि मैं मुखिया बनने के बाद तमाम पंचायत वासियों को एक परिवार की तरह रखूंगा। जहां तक जो विकास नहीं हुआ है उसे संपूर्ण रूप से पूरा करूंगा। गली गली विकास की गंगा बहा दूंगा। यहां तक कि अपने पंचायत में साक्षर का भी सपना रहेगा, उसे धरातल रूप में लाऊंगा। क्योंकि मैं गरीब हूं, गरीब का दर्द गरीब ही जानता है। राजेंद्र कुमार बिंद, आप किस पद के लिए खड़े हो रहे हैं इस बार? मुखिया के पद से। अभी जो प्रेजेंट में मुखिया है उसका क्या कार्य लगा जो कि आपको फिर से पुनः जो है मुखिया के लिए खड़ा होना पड़ा? मुखिया का कार्य ये कि मुखिया तो गलत ही कर रहा है सर। इंदिरावास में 20-20 हज़ार 33 हज़ार सबसे लिया जा रहा है। उसके बाद अगर जो हमारे तरफ आदमी है उसको कहता तुम उसका आदमी है उसको इंदिरावास मिलता है विद कटवा दिया जाता है। और कोई तरह की दिक्कत? सात निश्चय योजना के अंतर्गत जल नल का व्यवस्था मनरेगा में कोई सही काम हुआ नहीं है। जल नल तो बिल्कुल नष्ट है, जल नल हुआ ही नहीं। जल नल नहीं हुआ। रोड नाला भी देख लीजिए, रोड नाला बिल्कुल भरा हुआ है। बाजार का स्थिति पूरा, बाजार की स्थिति देखिए, बाजार में क्या है। इसीलिए आप गरीबों के बीच आना चाहते हैं? आपका अगला लक्ष्य क्या रहेगा? हम आएंगे तो हम गरीबों की बात पे ही रहेंगे, जो जनता चाहेगा जैसा वैसा काम होगा। जनता पे डिपेंड करेंगे, जनता पे डिपेंड करेंगे हम, बिना उससे सलाह लिए कोई काम ऐसा नहीं करेंगे। और आपका कोई लक्ष्य जो जीत के जैसे आए तो मैं इस मुखिया से अलग कुछ करूंगा? कुछ करेंगे अलग, जनता की सेवा करेंगे, जो जो गरीब आदमी है सबको सेवा करेंगे। आपको जो जनता, आप जो जनता से मांग रहे हैं पाँच साल बहुत कीमती वक्त होता है, इसमें आप क्या जनता के बीच खड़े आएंगे? हाँ, हम 14 बार घूम घूम के सारा काम धंधा करेंगे, सबसे संतुष्ट करेंगे सबको। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1.5 लाख पात्र बालिकाओं को अनुदान राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण। माननीय राज्यपाल श्रीमती